गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ टुडे वी डिस्कस न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप एक्सीलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। एज्यूम क्या करना है हमें? देयर आर नो नियर बाय स्टार टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम। तो हम देख रहे हैं कि एक एस्ट्रोनॉट है जो स्पेसशिप से एट एनी इंस्टेंट क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे एज्यूम करने के लिए क्या कहा है कि उसके आसपास कोई स्टार नहीं है जो कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करे। मतलब यहाँ पर स्टार का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो स्पेसशिप से अलग हो जा रहा है। एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेसशिप से अलग हो जा रहा है। अब स्पेसशिप का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उस पर वो भी निग्लेजिबल होगा, तो उसको भी हम इग्नोर कर देंगे। तो अब अगर हम देखें तो एस्ट्रोनॉट पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? जीरो है। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो ये क्लियर है? तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। तो आंसर होगा एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर क्या होगा? जीरो होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो हो तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो लेकिन अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या देखेंगे कि बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा? बॉडी में एक्सीलरेशन होगा। तो हमें देखना यहाँ क्या है, फोर्स और एक्सीलरेशन में रिलेशन क्या होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होता है, बल्कि बॉडी पर क्या होता है? फोर्स लगता है ड्यू टू विच एक्सीलरेशन उसमें होता है। दोनों में रिलेशन क्या होगा यही हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम पढ़ेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यम इंटू वेक्टर वी, एम इंटू वेक्टर वी। मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर हम देखें तो पी इक्वल टू क्या होगा? एम वी। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि मोमेंटम को हमें क्यों डिफाइन करना पड़ा। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि एक कार है और एक ट्रक है और हम चाहते हैं दोनों को सेम टाइम में सेम स्पीड देना। तो हम क्या देखेंगे कि हमें ट्रक पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन कंपेयर टू कार, क्योंकि ट्रक का मास क्या है? ज़्यादा है और कार का मास क्या है? कम है। तो इस तरह क्या क्लियर हो रहा है कि बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करना होगा। उसके पोजीशन में चेंजिंग करने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इनर्सिया। इनर्सिया क्या होता है? इनर्सिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच वी इट अपोज द चेंज इन पोजीशन। अब इनर्सिया को मेजर कैसे करते हैं? मास से। जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा अपने पोजीशन में चेंजिंग का। तो ये क्लियर हो गया। इस एग्जांपल से अगर हम देखें तो क्या क्लियर हो रहा है कि मास जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह मास अगर हम देखें तो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मास यहाँ पर एक क्या है, एक तरह से इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ये डिसाइड कर रहा है कि हमें फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे एक हैवी स्टोन हो और एक लाइट स्टोन हो, दोनों को हम सेम हाइट से ड्रॉप करें एक साथ, तो हम क्या देखेंगे कि हैवी स्टोन को कैच करने में हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन कंपेयर टू लाइट स्टोन। तो ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड ये कि हम
वेलोसिटी, यहाँ पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी भी एक मोमेंटम में वेलोसिटी का भी हमने प्रोडक्ट किया है, तो वेलोसिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे? तो अगर हम दोनों ही कार ले लें, दोनों का मास क्या हो, सेम हो, अब अगर हम देखें दोनों को सेम टाइम में हमें दोनों का क्या हो, स्पीड डिफरेंट हो, सपोज दैट कि यहाँ पर अगर हम दो कार ले लें, दोनों का ही मास क्या हो, सेम हो, दोनों का मास क्या हो, सेम हो, तो हम देखेंगे अगर हम देखें इसका स्पीड सपोज दैट कि 20 किलोमीटर पर आवर है और सेकेंड वाले का जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम दोनों को एक साथ हमें रोकना हो तो हम क्या देखेंगे कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है उसको हमें रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और जिसकी वेलोसिटी कम है उसको रोकने के लिए हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हमें करना क्या है, दोनों को एक साथ हमें रोकना है, एक ही टाइम पर दोनों को रोकना है, तो हम क्या देखेंगे जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और जिसका स्पीड कम है उस पर हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से वेलोसिटी भी क्या है, एक तरह से इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ये डिसाइड करता है कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये क्लियर हो गया। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि मास और वेलोसिटी दोनों ही मोशन में एक तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया मास इंटू वेलोसिटी और इसको हमने एक नया टर्म दे दिया मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम इंटरवल पर भी ये डिपेंड करता है, मोमेंट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो टाइम इंटरवल पर डिपेंड करता है। कैसे, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे क्रिकेट प्लेयर जो होता है जब बॉल को कैच करता है, तो बॉल को जब कैच करता है तो हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को पीछे खींचता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, सपोज दैट कि यम मास का बॉल है, यम मास का एक बॉल है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके पास मोमेंटम कितना होगा, यम वी, यम मास का एक बॉल है, यम मास का एक बॉल है और इसकी वेलोसिटी क्या है, वी है, तो इसके पास मोमेंटम कितना होगा, यम वी। अब क्रिकेट प्लेयर इसको करता क्या है, कैच करके रोक देता है, मीन्स इसकी इसका मोमेंटम जो है वो जीरो कर देता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यम वी से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो होता क्या है, अगर हम चाहें कि सडनली इसको रोक लें तो होगा क्या, हम मोमेंटम में जो चेंजिंग है वो बहुत फास्ट कर रहे हैं, तो फास्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इससे क्या होगा, हाथ में चोट भी लग सकता है। वहीं पर अगर हम हाथ को पीछे खींच लें तो हम करते क्या है, चेंज इन मोमेंटम में टाइम इंटरवल को बढ़ा देते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम में अगर हम टाइम इंटरवल बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फोर्स हमें कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि चेंज इन मोमेंटम में अगर हम टाइम इंटरवल बढ़ाएंगे तो फोर्स हमें कम लगेगा, कल कम लगाना पड़ेगा, और अगर हम चेंज इन मोमेंटम में टाइम इंटरवल को कम कर देंगे तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार से जा रहे हैं और हम सपोज दैट कि हम मास का कार है और वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसके पास कितना मोमेंटम है, यम वी। अब अगर हम चाहें कि मोमेंटम उसका तुरंत जीरो हो जाए तो हमें क्या करना होगा सर, मतलब अगर हम चाहें कि सडनली उसको रोक दें तो मतलब उसका मोमेंटम जीरो कर रहे हैं तुरंत, टाइम इंटरवल बहुत कम लगा रहे हैं, तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और वहीं अगर हम टाइम इंटरवल उसका बढ़ा दें मोमेंटम जीरो करने में तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से इस तरह क्लियर हो रहा है कि जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम अगर हम देखें तो इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक कार है और एक ट्रक है, कार का जो मास है वो एम वन है और ट्रक का जो मास है वो एम टू है। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास एम वन और एम टू है, मीन्स दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। अब अगर हम इन दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई करें सेम टाइम तक तो हम क्या देखेंगे कि जो मोमेंटम में चेंजिंग होगा दोनों में सेम होगा। यहाँ पे है क्या, यम वन यम टू ग्रेटर देन यम वन है,
हम दोनों पे कर क्या रहे हैं, सेम टाइम तक सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे होगा क्या, जो मोमेंटम में चेंज ही होगा वो सेम होगा। कैसे, इसका मास m1 है सपोज दैट इसकी वेलोसिटी v1 है, इसका मास m2 है इसकी वेलोसिटी सपोज दैट v2 हो गई। तो इसके पास जो मोमेंटम होगा फर्स्ट वाले के पास m1 v1, और सेकेंड वाले के पास जो मोमेंटम होगा वो m2 v2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट बॉडी का मास कम है लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, सेकेंड बॉडी का मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। तो इस तरह अगर हम देखें तो प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हों डिफरेंट मास के और दोनों पर सेम फोर्स लगाएं सेम टाइम तक, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो सेम होगा। इसके बाद अगर हम देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है, सपोज दैट कि हम एक m मास का एक स्टोन है, इसको हम एक स्ट्रिंग में बांध के घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर पाथ पर घुमा रहे हैं इसको। सपोज दैट कि इसका जो स्पीड है वो v है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन यहाँ कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, कॉन्टीन्यूसली चेंज होगी। तो वेलोसिटी यहाँ अगर चेंज हो रही है तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि वेक्टर पी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर पी इक्वल टू यम वेक्टर वी, मतलब मोमेंटम जो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी यहाँ चेंज हो रही है इसलिए मोमेंटम भी चेंज होगा। अब मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स यहाँ कौन अप्लाई करता है, हमारा हैंड। तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ अगर हम देखें, अगर स्टोन को हम चाहते हैं कि तेज़ी से घूमे, तो मतलब मोमेंटम में चेंजिंग अगर ज़्यादा चाहते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मोमेंटम में चेंजिंग अगर हम कम चाहते हैं तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम चाहते हैं कि ये फास्ट मूव करे तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं स्लो मूव करे तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह क्या क्लियर हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम क्या देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम इंटरवल के। तो मीन्स यहाँ से हम देखें अगर, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यही क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये क्लियर है, मीन्स जो वेक्टर एफ होगा, जो वेक्टर एफ होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा वेक्टर पी अपॉन डेल्टा टी। ये हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे के इंटू डेल्टा वेक्टर पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्लियर है, यही क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ है। इसके बाद होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।